हेलो एवरीवन। तो गाइस आईपीएल 2021 का सेकंड फेज 19 सितंबर से होता हुआ हमें दिखने वाला है। ऐसे में आईपीएल 2021 के सेकंड फेज से शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से तीन बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं पर जोफ्रा आर्चर के रिप्लेसमेंट को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ बात करें तीसरी खबर के बारे में, तो ये खबर रियान पराग की तरफ से निकल कर आ रही है। तो तीनों ही खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बात करें हम सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में, तो ये खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम के युवा खिलाड़ी रियान पराग की तरफ से। अब रियान पराग ने आईपीएल 2021 के सेकंड फेज को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर इन्होंने कहा है कि आईपीएल 2021 के फर्स्ट हाफ में आरआर की टीम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गई थी, लेकिन आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में आरआर की टीम के पास काफी बढ़िया चांस है प्लेऑफ्स में जाने का, और आरआर की टीम उनके मुताबिक प्लेऑफ्स में जाएगी भी, ऐसा रियान पराग का कहना है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि आईपीएल 2021 के फर्स्ट हाफ में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, और आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में वो आरआर की टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन करके टीम इंडिया में जगह बनाना चाहते हैं और इंडियन टीम के लिए खेलना चाहते हैं। तो ये बड़े स्टेटमेंट निकल कर आ रहे थे रियान पराग की तरफ से। अब गाइस बात करें हम दूसरी खबर के बारे में, तो ये खबर निकल कर आ रही है जोफ्रा आर्चर की तरफ से। अब ऑफिशियल खबर आ चुके हैं, एसीबी ने भी अनाउंस कर दिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2021 के सेकंड फेज का पार्ट नहीं होने वाला। ऐसे में आरआर की टीम ने आरआर के मैनेजमेंट ने जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट को ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसे में आरआर की टीम कई प्लेयर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर रही है, जिसमें दोस्तों वो जोफ्रा आर्चर को रिप्लेस कर सके। ऐसे कई खिलाड़ियों के साथ आरआर की टीम ने अब कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया, तो हमें जल्दी जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट अनाउंस होती हुई नजर आ सकती है। बात करें हम तीसरी खबर के बारे में, तो ये खबर निकल कर आ रही है मुस्तफिजुर रहमान की तरफ से। ये आरआर की टीम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान पिछले कुछ टाइम से काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो ये बांग्लादेश की टीम के लिए खेलते हैं वहां पर इनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा पिछले कुछ टाइम से, और आईपीएल 2021 के फर्स्ट हाफ में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, और आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में ये अवेलेबल रहेंगे, तो आरआर की टीम के लिए अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं। आरआर की टीम के लिए अच्छी बात होगी क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान का फॉर्म में रहना आरआर की टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो आरआर की टीम के लिए अच्छी बात है कि मुस्तफिजुर रहमान काफी बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो गाइस ये तीन बड़ी खबर राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से आ रही थी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।